ऊपर से बताया जाता है। अपने जीवन को शानदार कौन बनाता है? तो भैया जीवन को वही शानदार बनाता है जो अपने अंदर से बुराई को खत्म करना जानता हो। अगर आपके अंदर बुराई आ गई और उस बुराई को खत्म करने का कला आपके पास नहीं है, तो माफ कीजिए साहब, आप अपने साधन सुविधा और समय का दुरुपयोग कीजिएगा। देखिए साहब, बुराई भी दो प्रकार का होता है। आज के जमाना में बुराई भी दो प्रकार का होता है। एक बुराई तो वह जो मनुष्य को दिखता है खुली आंखों से। आप देखिए, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, व्यक्ति मारपीट कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, तो ये तो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। क्यों साहब? आप देखिए, सीसीटीवी कैमरा जब लगता है घर में, जब चोरी होता है, तो साहब सीसीटीवी कैमरा के मदद से पकड़ लिया जाता है कि साहब बुराई किसके अंदर था, कौन बुराई, कौन हमारे यहाँ आकर के चोरी करके लेकर के गया, पकड़ो इसको। लेकिन एक बुराई होती है जो दिखता नहीं, वह कौन सा बुराई है? वह चिंता। अगर लोगों के मन में चिंता आ गया, लोगों के मस्तिष्क में चिंता आ गया कि हमारा होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। क्यों साहब? चिंता आ गया, डर आ गया, भय आ गया। क्या ये बुराई मोबाइल का कैमरा स्कैन कर सकता है? ये बताइए, आप किसी को देख करके बता सकते हैं ये इतना चिंता में है? कोई चोरी करके चला गया तो बता सकते हैं ये भैया हमारा दो गो फर्नीचर लेकर के चला गया, दो गो ज्वेलरी लेकर के चला गया, लेकिन किसी को देख करके बता सकते हैं ये साहब एक लीटर चिंता में है, एक केजी तनाव में है? क्यों साहब? कोई मेडिकल साइंस का डॉक्टर बता सकता है? माफ कीजिए साहब, ये बुराई कोई नहीं बता सकता, कोई देख करके नहीं बता सकता कि कोई व्यक्ति कितना चिंता में, कितना तनाव में, कितना डरा हुआ है, कितना भयभीत है। इस बुराई को कहाँ सही कीजिएगा? ये बुराई आज सबसे ज्यादा आज समाज में अगर फैला हुआ है तो मित्रों यही बुराई, लोगों के अंदर चिंता बिना बात का है, बिना बात का डर है, बिना बात का भय है, जिसके कारण वो अपने मन को परिस्थिति के अनुसार नहीं चला सकते। एक छोटी कहानी याद आती है कि एक बार एक संत आश्रम में बैठे हुए थे, तो एक चेला दौड़ करके पहुंचा संत के पास कि गुरुजी गुरुजी किसी ने गाय दिया है, किसी ने गाय दिया है, कहा कि रखिए। गुरुजी बोले वाह अच्छी बात है, मजे की बात है, चलो अब दोनों लोग सभी लोग मिल करके दूध पियेंगे। सभी लोग खुश हुए। एक सप्ताह बाद क्या हुआ, जो गाय दिया था वो गाय लेकर चल गया, वो गाय लेकर के चल गया था। अब तो चेला है, अब टेंशन में दौड़ा। पहले तो चेला खुशी में दौड़ा था, अब चेला टेंशन में दौड़ा एकदम। गुरुजी गुरुजी क्या हो गया, देखिए क्या हो गया, जो गाय दिया था वो गाय क्या किया, लेकर के चला गया। लेकिन गुरु के चेहरे पे थोड़ा सा भी तनाव नहीं। गुरु साहब जिस जोश के साथ पहले दिन जब ये सूचना देने आया था, जिस तरह मंद मुस्कान उसके चेहरे पर था कि अच्छा अब आराम से दूध पियेंगे, वही मंद मुस्कान अभी भी था जब यह चेला एकदम कष्ट में दौड़ते हुए आया। गुरुजी जिसने गाय दिया था वह लेकर के चला गया, तो गुरुजी ने क्या कहा सुनिए। गुरुजी ने कहा अच्छा हुआ अब गोबर उठाने के झंझट से बच गए। क्यों साहब? ये होती है मन की स्थिति। देखिए अब गुरु भी टेंशन में आ जाते हैं, अब तो दूध पीने नहीं मिलेगा भैया। ये देखिए अपने मन में यही विचार अगर उठता कि भैया अब तो हमको दूध पीने को नहीं मिलेगा, तो गुरुजी भी किस में चले जाते, टेंशन में चले जाते। लेकिन गुरु ने अपने मन के विचारों को बदल दिया। यही कला होना चाहिए, यही कला अध्यात्म सिखाता है, यही कला साहब भारत का अध्यात्म, भारत का धर्म यही कला सिखाता है कि युवा अपने मन की स्थिति को बदलना सीख जाए। एक बार क्या हुआ, एक अंधा भगवान का दर्शन करने के लिए डेली जाता था, डेली दर्शन करने के लिए भगवान का दर्शन करने के लिए जाता था और दर्शन करके निकलता था, तो कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग देख करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहे अरे अंधा तुझे भगवान दिखते हैं जो तू जाता है भगवान को देखने के लिए डेली का डेली? लेकिन अंधे का मन देखिए, अंधे का मन ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मैं भगवान को नहीं देखता तो मेरे भगवान तो मुझे रोज देखते होंगे। क्यों साहब? मेरे भगवान तो मुझे रोज देखते होंगे। ये देखिए मन की स्थिति, उस अंधे की मन की स्थिति देखिए। दुनिया वाले ने तो कमेंट किया, लेकिन उसने अपने मन की स्थिति को परिस्थिति के अनुसार बदल लिया। एक और कहानी आप इतिहास में पढ़ते हैं अष्टावक्र की। अष्टावक्र आठ जगह से क्या था, टेढ़ा था, आठ जगह से टेढ़ा था, कुरूप था। जब वो मिथिला नरेश के दरबार में पहुंचा तो जितने मंत्री लोग थे, जितने विद्वान लोग थे, देख करके हंस दिए, सभी लोग देख करके हंस दिए। देखिए अष्टावक्र आठ जगह से टेढ़ा था, चेहरा भी एकदम कुरूप, तो समझिए उसकी मन की स्थिति क्या होगी। उसको भी अगल बगल देखता हुआ, अगल बगल स्मार्ट लोग पूरा, लेकिन वो तो साहब, तो अपने मन को कैसे मजबूत करना है ये समझिए। साहब अष्टावक्र साहब आठ जगह से टेढ़ा था, जब वो राज दरबार में पहुंचा तो साहब सभी लोग देख करके हंसने लगे, सभी लोग राजा मंत्री वगैरह जितने लोग थे सब लोग देख करके हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे तो ये अष्टावक्र भी जोर का हंसा, जितना जोर का ये लोग हंसा उससे दुगुना जोर का अष्टावक्र भी हंस दिया। उसी समय बोला लो अब हम भी तब दिखाते हैं अपना पावर, वो भी कस के हंस दिया। गायत्री जपते थे अष्टावक्र जी, तो वो भी कस के हंस दिया, बस सब लोग का हंसी शांत हो गया। राजा उतरे, पूछे महाराज आप क्यों हंसे, हम लोग तो आप क्यों हंसे, तो अष्टावक्र पूछता आप क्यों हंसे पहले ही बताइए। तो एगो उठा एगो विद्वान कहता है कि हम तो आपको देख करके हंस दिए, आपको देख करके हमको हंसी आ गया, आपको देख करके हम हंस दिए।
अष्टावक्र ने बोला, मुझे भी आपको देख करके हंसी आ गया। बोला क्यों? बोला मैं सोचता था कि मैं जिस दरबार में जा रहा हूँ वो विद्वानों का दरबार होगा, वहाँ राजा मैं सुनता हूँ कि मिथिला नरेश का दरबार है जहाँ विद्वान एक्सपर्ट लोग जो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, वैसे लोग उस सभा में उनके मेंबरशिप है वैसे लोग बैठे हुए। लेकिन यहाँ आकर के मुझे पता चला ये तो मूर्खों की सभा है। ये किसकी सभा? ये मूर्खों की सभा, अज्ञानियों की सभा, जो मनुष्य के चेहरे को देख करके, मनुष्य के शरीर की बनावट को देख करके उसका आकलन कर रहे हैं। अरे मनुष्य का पहचान तो उसकी सोच से होता है, मनुष्य का पहचान तो उसकी अंतर चेतना से होता है, मनुष्य की पहचान तो साहब उसके अंदर के जोश से होता है, उसके अंदर की ताकत से होता है, उसके अंदर के करुणा से होता है, उसके अंदर के मानवता से होता है, उसके अंदर के देवत्व से होता है। इसको कोई देख नहीं रहा, व्यक्ति तो ऊपर के बनावटी चीज़ों को देख रहा है। ये बात जब उन्होंने बोला तो सारे लोगों को अपने गलती का मित्रों अनुभव पता चल गया। ये कैसे हुआ? अगर अष्टावक्र के मन में भी यही विचार उठता कि भैया मैं तो देखने में इतना कुरूप हूं, मैं तो देखने में इतना काला कलूटा हूं, मैं तो आठ जगह से टेढ़ा हूं, मैं तो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता, तो अष्टावक्र कभी आगे नहीं बढ़ते। अष्टावक्र ने अपने मन को बदल लिया। यही बात, यही विज्ञान, यही साइंस, यही टेक्नोलॉजी इस युवा प्रकोष्ठ से बताया जाता है कि अपने मन को हर समय कैसे मजबूत कीजिए, ऐसे विचारों को आप गेन कीजिए, अच्छे विचार। जो चार सूत्र में एक सूत्र दिया जाता है स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब अच्छे विचारों को अपने अंदर पैदा कीजिए। किसी भी चीज़ व्यक्ति अगर नया चीज़ जीवन में अपनाता है तो एक एक्सपर्ट को खोजता है। आप देखिए, आपने अगर मोटरसाइकिल भी सीखा होगा, अगर आप कभी मोटरसाइकिल भी सीखने गए होंगे तो ऐसे आदमी को खोजे होंगे जो मोटरसाइकिल चलाना पहले से जानता, उसको पकड़े होंगे। अगर अरे भैया बताइए गियर कहाँ से लगेगा, क्लच कहाँ से लगेगा, बिना क्लच का अगर गियर दाब दिए तो क्या हो जाता? एक्सीडेंट हो जाता। आप अपने इतिहास को देखिए, आपके इतिहास में जितने लोग महान बने उनमें यही कला थी कि परिस्थिति के अनुसार अपने मन की स्थिति को बदल लेते थे। आप देखिए भगवान राम को क्या मिलने वाला था? सिंहासन मिलने वाला था। कहाँ का आह्वान आ गया? चलने का वनवास। आप सोचिए, आपको घर परिवार सब कुछ मिलने वाला, पूरा तिजोरी का संपत्ति अब आप ही को मिलने वाला, अब अपने इच्छा से जो चाहिए खरीदिए अब। लेकिन उसी समय साहब आपको आ गया आह्वान के सब कुछ छोड़ छाड़ के कब जाना है। अब जब भगवान राम को पता चला होगा कि हमको सिंहासन मिलने वाला है तो उनके भी मन में इच्छा जगा होगा, सपना आगे भविष्य का कल्पना हुआ होगा कि अब हम ऐसा जीवन जियेंगे, अब हम राज सिंहासन पर बैठेंगे, दोनों पट्टी पंखा हिलाया जाएगा, लोग आएंगे हमसे सवाल जवाब पूछें। लेकिन उसी समय इंस्टेंट देखिए परिस्थिति बदल गया साहब, अब आ गया साहब वनवास जाने का। उसी समय उन्होंने अपने मन को मजबूत किया। कैसे मन को मजबूत किया? क्योंकि उनके मन को कैसे मजबूत किया जाए इस चीज को बताने वाले उनके जीवन में गुरु थे। कौन? वशिष्ठ और विश्वामित्र। भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ और विश्वामित्र, जो बताए कि मन को कैसे मजबूत किया जाए कि भी जब परिस्थिति आपके जीवन में गड़बड़ाए। देखिए ना, भगवान कृष्ण के भी गुरु हुए कौन? दुर्वासा, संदीपन। और आपको पांडवों के भी गुरु थे कौन? द्रोणाचार्य। आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस के भी गुरु हुए तोतापुरी जी महाराज। विवेकानंद के गुरु हुए कौन? रामकृष्ण परमहंस। आप देखिए, चंद्रगुप्त के गुरु थे कौन? चाणक्य। शिवाजी के गुरु थे कौन? समर्थ गुरु रामदास। आप देखिए, जितने इतिहास में लोग उठा लीजिए, सबके कोई ना कोई ऐसे गुरु थे जो उनको सिखाते थे कि अपने मन को हर परिस्थिति में कैसे मजबूत किया जाए। क्या आपको हम